जिस बीवी में चार सिफात हों वो एक अच्छी बीवी होती है। इस बारे में उलमाए करम फरमाते हैं कि बीवी में चार सिफात ज़रूर होनी चाहिए। उनमें से पहली सिफत उसके चेहरे पर हया हो। ये बात बुनियादी हैसियत रखती है कि जिस औरत के चेहरे पर हया होगा उसका दिल भी हया से लबरेज होगा। मिस्र मशहूर है, चेहरा इंसान के दिल का आईना होता है। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। हज़रत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हो का कौल है कि मर्दों में भी हया बेहतर है मगर औरत में बेहतरीन है। दूसरी सिफत ये फरमाई कि जिसकी ज़ुबान में शेरीनी हो, यानी जो बोले तो कानों में रस गोले, ये न हो कि हर वक़्त खामुद को जली कटी सुनाती रहे या बच्चों को बात बात पर झिड़कती रहे। तीसरी सिफत यह है कि उसके दिल में नेकी हो। और चौथी सिफत यह है कि उसके हाथ काम काज में मसरूफ रहें। ये खूबियाँ जिस औरत में भी हों यकीनन वो बेहतरीन बीवी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकती है। यही दीन इस्लाम की सुनहरी तालीमात भी हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक और दीन इस्लाम की सुनहरी तालीमात के मुताबिक अपनी यह ज़िंदगी गुजारें। ये ज़िंदगी तो आरजी और फ़ानी है और हमने बिल आखिर जो हमारी हकीकी ज़िंदगी है जिसका आगाज़ आफ्टर डेथ होना है उसकी तरफ हम सब ने पलट जाना है। तो इस दुनिया में रहते हुए हम खूबसूरत और बेहतरीन ज़िंदगी तभी गुजार सकते हैं जब हमारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की सुनहरी तालीमात के मुताबिक। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।